यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको सभी को नमस्कार। आज हम आपको होंडा प्राइड और होंडा क्रिस्टा का रिव्यू देने जा रहे हैं, जो कि एक प्योर यूज़र रिव्यू है। मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, कोई वर्कशॉप ओनर नहीं हूँ, ना कि मैं प्रोफेशनल किसी किस्म का बाइक राइडर हूँ। ये जस्ट एज अ बिगिनिंग स्टार्टिंग में है, तो ये बिल्कुल एक प्योर ओनर रिव्यू है जो मैंने अपनी शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको रिव्यू देते हैं ताकि आपको बाइक के बारे में थोड़ा साइड होगा, कौन सी बाइक है और क्या इसका कलर है और क्या इसकी डिजाइनिंग है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। ये होंडा 100 प्राइडर 2021 मॉडल है। ये सामने से इसकी आप शेप देख सकते हैं, बिल्कुल एरोडायनामिक इसकी शेप है। इसकी हेडलाइट के बारे में अगर हम बात करें, हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं, जो कि अक्सर तौर पे जो है आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा यूट्यूब पर भी, बाकी सारी जगहों पर भी, कि इसकी लाइट जो है इसके बारे में लोगों के अच्छे व्यूज़ नहीं है, अच्छे कमेंट्स नहीं है। तो ये तकरीबन 80% लोगों की बात बिल्कुल ठीक है। इसकी लाइट जो है इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है, इसकी थ्रो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए जो है मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि मैंने अच्छा एक्स्ट्रा लाइट लगाई हुई है। इस लाइट का डिटेल जो है रिव्यू मैंने दिया हुआ है, इसकी इंस्टॉलेशन तो नहीं मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई, उसका डिटेल रिव्यू जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, तो अगर हम इसके फ्रंट टायर की बात करें, उसके शॉक्स की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट 1/1 to 5 वाला इसका टायर है। तो ये इसका टायर साइज़ आप देख सकते हैं, 2.75/18 का इसका जो है वो रिम है, और इसका जो टायर है आई थिंक इसका ये रिम साइज़ है और ये इसका टायर साइज़ है। असल में मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, टायर के बारे में, साइज़ के बारे में, तो जो भी है ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसको ख़ुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो में नहीं क्लियर चीज़ें क्लियर नज़र आ रही, तो आपको मैं जो है ना पिक्चर भी वीडियो के एंड पे अटैच कर दूँगा, सही है। तो ये पैंथर का टायर है, अच्छी क्वालिटी का टायर है। तो आप इसकी अगर हब देखें, तो हब इसकी जो है इसकी बड़े साइज़ की हब है, तो जिसकी वजह से इसकी जो है फ्रंट जो रिम है, स्पोक्स रिम इसे कहते हैं, तारों वाला चक्का, तो इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना जितना तार का जो है साइज़ छोटा होगा, उतनी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जो है वही कन्वेंशनल शॉक्स हैं जो मतलब रेगुलर आम बाइक्स में आते हैं। तो इसका जो है फ्रंट मडगार्ड, ये हार्ड प्लास्टिक फाइबर टाइप इसका मडगार्ड है। तो अगर हम इसके इंजन की बात करें, तो वही इसका 100cc इंजन, इसको आप जो है अगर हम सिंपली बात करें तो सिंपली ये 100cc ही है। तो मैं कोई मतलब कोई इंजीनियर या मैकेनिक नहीं हूँ जो आपको इसकी एज अ डिमेंशन या इस तरह की चीज़ें बताऊं कि इसकी हार्स पावर कितनी है, इसका टॉर्क कितना है। तो ये मेरा रिव्यू भी नॉर्मल सिंपल यूज़र के लिए है, कि जो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कौन सी बाइक हमारे लिए बेस्ट रहेगी और कौन सी बाइक हमारे लिए जो है सही नहीं रहेगी। फ्यूल टैंक में इसके मेरा ख्याल है 9.5 लीटर पेट्रोल आता है। इसका डिज़ाइन भी ठीक ही है, कोई इतना ज़्यादा पुराना और इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, बाहर जितनी भी वीडियो में जो है वो समझ आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं इसको चेक करके वॉइस ओवर कर दूँगा। तो ये इसका सलेंसर भी काफ़ी प्यारा है, और उसके बाद इसकी सीट की अगर हम बात करें, तो सीट इसकी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और बहुत अच्छी इसकी सीट है। होंडा के जितनी भी बाइक्स हैं, सब तमाम बाइक्स में सबसे ज़्यादा जो अच्छी सीट है वो सिर्फ राइडर की सीट ही है, ठीक है। टैंकी जो है इसकी प्योर मेटल टैंकी है, और ये एज यूजुअल जिस तरह बाकी बाइक्स के साइड कवर होते हैं, इसी तरह इसके प्लास्टिक के साइड कवर हैं। तो उसके बाद अगर हम इसके अपना गियर लीवर की बात करें, इसका गियर लीवर 1/5 to 70 से थोड़ा सा चेंज है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्रेक पैडल की तरह है। जिस तरह इसका ब्रेक पैडल है, इसी तरह इसका जो है गियर लीवर का फ्रंट पैडल है। तो ये काफ़ी मतलब कि इसकी ऐसी ग्रिप होती है, आप इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से आप इसको गियर निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए इसका साइज़ भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है,
बिल्कुल आपका पाँव अच्छे तरीके से आता है गियर निकालते वक्त भी लगाते वक्त भी, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर इसकी हम स्टैंडिंग की बात करें तो वही नॉर्मल इसके दो स्टैंड हैं, एक इसका सिंगल स्टैंड है साइड स्टैंड और एक इसका डबल स्टैंड है जो इसका बड़ा स्टैंड जिसे कहते हैं। तो अगर हम इसके बैक की तरफ आते हैं तो इसके बैक शॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और काफ़ी ज़्यादा पायदार है। इसमें एक थोड़ा सा मसला ये है कि इसकी जो है ना थोड़ी सी आवाज़ आती है शॉक की, तो वो इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बस इसकी थोड़ा सी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की है कि इसमें थोड़ी सी आवाज़ है, शायद इसके अंदर ये प्लास्टिक दिया गया इसकी वजह से, ये प्लास्टिक का कवर इसकी वजह से है या किसी और वजह से, ये अभी हम इसको जज नहीं कर सकते। बहरहाल इसके अंदर थोड़ी सी आवाज़ आती है जब इसके शॉक लगते हैं तो ठक की आवाज़ आती है, तो वो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये इसका बैक टेल कवर है जो कि काफ़ी इन्होंने नाजुक बनाया है, ये देखें ये हिल भी रहा है। अच्छा अगर हम इसके फुटरेस की बात करें तो जिसे पायदान भी कहते हैं, तो ये होंडा के जितने भी बाइक्स हैं मसल के सी डी 70 लगा लें आप या सी डी ड्रीम लगा लें या 125 लगा लें, नॉर्मल जो कम्यूटर बाइक चलती हैं, तो उनके जो पायदान हैं वो इस फ्रेम के साथ अटैच होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा लो कंफर्ट लेवल या नुकसान आप कह लेंगे, जब भी पीछे जो डबल सवारी बैठी होती है जब कोई खड्डा या लगता है जंप वगैरह लगता है या किसी भी हम स्पीड ब्रेकर से गुजरते हैं तो बाइक ऊपर नीचे होने की वजह से जो है आपकी टांगें भी ऊपर नीचे होती हैं जो कि आपके कंफर्ट लेवल को बहुत ज़्यादा कम करती हैं। तो इसके इन्होंने जो पायदान है वो मेन फ्रेम के साथ अटैच किए हुए हैं और काफ़ी इसको मजबूती दी हुई है, जिसकी वजह से ये है कि आप जब भी इसको ट्रैवल करते हैं इसके पीछे बैठ के अच्छा तो फ्राइडे का दिन है जुमे का दिन है तो जुमे वाले दिन अक्सर जो है इस रोड पे लोग निकलते हैं हैवी बाइक्स लेके सुपर बाइक्स लेके, तो ये रिव्यू के दौरान ही बाइक जहाँ से लोग आते थे तो मैंने कहा चले थोड़ी सी इनकी भी वीडियो बना लूँ। तो भाई ये मेरा पहला प्रॉपर व्हील आ गया जिसमें कि आपको थोड़ी सी ये एक और गया कैरी डब्बे के पीछे से एक और गया एक और आ रहा है अच्छा तो गाइस ये थोड़ा सा बोनस था आपके लिए हमारे इस रिव्यू में। तो अभी हम वापस अपने रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में कुछ मसले मसाइल हैं जो कि असल में मेरी पहली वीडियो है, प्रॉपर एक मेरा वीलॉग है मेरा, तो जिसमें तो मुझे अभी थोड़ा मतलब कि कमेंट्री करने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से चीज़ें बताई जाती हैं किस तरह गाइड की जाती हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा अभी सिर्फ ये तकरीबन 2453 किलोमीटर चली है, तकरीबन 3000-4000 चला के इसके बाद दोबारा भी आपकी कितनी में लेकर आएंगे। असल में मैं ये मेन रोड है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा फ्राइडर में कुछ ख़ास बातें हैं जो कि आम कम्यूटर बाइक से इसको मुमताज़ करती हैं, जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये इसका जो है पायदान है जो कि बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी मजबूत भी है। उसके बाद इसका जो है अगर हम फ्रेम की बात करते हैं तो इसका डुअल फ्रेम है, इसे डबल क्रैडल फ्रेम भी कहते हैं। इसके दो से तीन फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि बाइक की मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसके इंजन के वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होती है, वाइब्रेशन लेस फ्रेम है या इंजन है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए इंजन बैलेंसर लगाया जाता है जो कि होंडा के 150 CB 150 F के अंदर है, ब्राइडर 70 या 125 के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सुजुकी की बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा 110 के अंदर भी 150 के अंदर भी, और YBR का मुझे कोई इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की हैं मैंने, उसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और यहाँ पे थोड़ा सा सर्दी भी बढ़ रही है और टाइम जो है सूरज तकरीबन डूबने के करीब है, तो इसका भी थोड़ा सा आपको हम व्यू दिखा देते हैं और थोड़े से सीनरी भी साइड की आकर दिखा देते हैं। सूरज तकरीबन डूब रहा है और थोड़ा सा वापसी का रास्ता हमारा थोड़ा सा लंबा सफ़र है, तो ये कैनाल एक्सप्रेस वे है
नहर के दोनों तरफ सड़क है, तो नहर खुश्क है, वरना आपको नहर का नज़ारा भी करवाते। तो ये साइडों पे खेत भी हैं, कलोनियाँ बनी हुई हैं, ये काफ़ी अच्छा मुझे सीन लगा था यहाँ पे, इसलिए यहीं पे रुके मैं जो है ना वीडियो बनाने लग गया। तो मैंने कहा चले रिव्यू तो हमने करना ही है, तो